बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। इस पान का जो साइज है वो भी काफी बड़ा है। हे गाइस, तो हम लोग अभी जा रहे हैं नवाब होटल। तो नवाब होटल में जाके अभी टेस्ट करने वाले वहाँ का टेस्ट कैसा है, वहाँ के फूड्स कितने वैरायटीज के हैं और क्या क्या मिलते हैं वहाँ पे, चलते हैं अभी। जा रहे हैं नवाब होटल। ये आप देख सकते हो, मैं अभी बिलालवाड़ा से श्रीराम नगर के रास्ते में हूँ और हमारा नवाब होटल पड़ता है हाईवे में। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाने के बाद ही बता सकते हैं कि वहाँ का क्या ऐसा होटल है और कैसे फूड्स है वहाँ के। गाइस, ये शिव मंदिर है और ये धानुबाग में पड़ता है। तो गाइस, ये धानुबाग तालाब है, मैं आपको ये रोड देख लीजिए, यही धानुबाग तालाब है और ये धानुबाग रोड है। तो अगर किसी को नहीं पता है तो आप आ सकते हो धानुबाग तालाब के आगे। कम बैक माय चैनल। तो आज हम लोग आए हैं नवाब सीख कबाब ट्राई करेंगे। यहाँ नवाब पान शॉप भी है जो कि है हाईवे के एकदम पास में। हम लोग अभी जाके अंदर ट्राई करते हैं कि कैसा है टेस्ट इसका। तो चलिए मेरे साथ। और तो भाई क्या बना रहे हो? चिकन तंदूरी। इसका प्राइस कितना है? इसका फुल 350। फुल 350 और हाफ 200। हाफ 200। इसको देखिए, कोयले से बनाया जा रहा है। एक्चुअली ये कोयले के ऊपर इसको हीट किया जाता है और ये कोयले से ही पकता है, किसी कोई गैस का इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पे। और ये फैन है जो कि कोयले को और भी गर्म करता है और उसको हवा देता है। कितने साल से होटल है यहाँ पे? 6 साल से। 6 साल से मतलब आप यही पे हो, यही पे बना रहे हो। तो आपके यहाँ का क्या क्या फेमस है बता सकते हैं? सीख पराठा है। क्या? सीख पराठा। सीख पराठा, अच्छा। सीख है समझा। अच्छा, पराठा है। अच्छा, तंदूरी है। तंदूरी है। चाइनीज़ के अंदर है। क्या है? चाइनीज़। चाइनीज़। तो ये कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है? 12 बजे। रात को 12 बजे तक खुला रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जैसे फ्रेंड्स फैमिली और कपल सब आ सकते हैं? सब आ सकते हैं। तो और भी अंदर कुछ इंटीरियर है कुछ देखने का? फैमिली के लिए जैसे यही पे बैठने का है कि और भी कुछ है? अंदर है तो हम लोग अंदर विजिट करते हैं, ठीक। तो इसके अंदर भी है, वो भी देखते हैं। यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे देखिए कितना स्टाइलिश है यार। हम लोग अंदर भी जाके देखिए, नॉर्मल टेबल है और ये यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो अभी हम लोग वापस अंकल के पास जा रहे हैं, आप यहाँ पे भी बैठ के आराम से खा सकते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर जाते हैं और एक्चुअली ऊपर फैमिली रेस्टोरेंट है बट हम लोग ये देखें एसी हॉल है हम लोग ऊपर। अच्छा, ये जेंट्स के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ जेंट्स लोग, पूरा एसी लगा हुआ है अंदर। अंदर का भी रिव्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी लोग तो काफ़ी आते हैं, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। यहाँ वॉश बेसिन है और ये अंदर किचन है। तो अभी हम लोग ऊपर एक बार जाके ये देखो, टॉयलेट भी एकदम बगल में है। तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे अभी लाइट ऑफ है बिकॉज ये रात को 8 बजे के बाद ही खुलता है। तो भी हम लोग आपको दिखाने के लिए ऊपर आए। तो ये है ऊपर का इंटीरियर, ये है मतलब ये आप फैमिली के लिए, स्पेशली ये फैमिली के लिए ही है। तो भाई ने लाइट भी ऑन कर दिया हमारे लिए ये। अच्छा, यहाँ पे कैसा, यहाँ के चार्जेस अलग है क्या? सेम चार्जेस है। तो ये फैमिली और कपल्स भी आ सकते हैं ना? तो फैमिली और कपल्स के लिए यहाँ पे ये एसी हॉल है, यहाँ पे भी आप आ सकते हो। अगर आप उनको बोलोगे तो आप वो आपको ऊपर भेज देंगे। तो ये देखो, वैसे इंटीरियर यहाँ का भी बहुत काफ़ी अच्छा है, बनाया अच्छा है यहाँ पे। और ये देख सकते हो सामने हाईवे है, सामने हाईवे के एकदम पास में ही नाला सुपारा ईस्ट में। आप हाईवे पूछोगे, हाईवे के बगल में ही है नवाब सीख कबाब। ऊपर का भी तो देख लिए, अब चलते हैं हम लोग फूड ट्राई करते हैं। विजिट तो कर लिया पे, और यहाँ पे भी अलग से टॉयलेट दिया हुआ है। जो ऊपर आप फैमिली या कपल्स आ रहे हो तो यहाँ पर्सनल टॉयलेट भी है। चलो, अगर आप नाला सुपारा में रहते हो तो एक बार ज़रूर नवाब होटल ट्राई करना। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब से मैं आया हूँ तो यहाँ की जो फैसिलिटी है, जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं। और ये हमारा देख रहे हो कितना अच्छा इधर सर्व किया है।
क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। एक्चुअली मैंने फ़ूड तो टेस्ट नहीं किया, फ़ूड के बारे में मैं नहीं बोल सकता, तो चलो अभी फ़ूड भी ऑर्डर कर दिया, आता ही होगा कुछ टाइम में। और अगर आप नवाब पे आ रहे हो तो आप अंदर आना, बिकॉज़ अंदर का इंटीरियर बहुत अच्छा है बाहर से जाना, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। क्योंकि जब मैं आया अंदर एंट्री किया तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, बट मैं जैसे अंदर और अंदर आया तो यहाँ का जो इंटीरियर है और ऊपर का जो इंटीरियर है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप भी आ रहे हो तो उनको बोल देना कि मुझे जेंट्स में जाना है या फिर फैमिली रेस्टोरेंट फैमिली के साथ हो, ये जेंट्स का है और ऊपर फैमिली का, तो आप उनको बोल सकते हो ये कि इसका टेस्ट कैसा है और कुछ अलग है कि नॉर्मल एक बिरयानी जो रोड पे मिलता है या फिर दुकान में मिलता है, टेस्ट है नवाब का बिरयानी भी। तो अब इसको ट्राई करता हूँ मैं, नहीं बिरयानी का टेस्ट अच्छा है, नॉर्मल एक आप स्ट्रीट फूड से बिरयानी जो लोग हैं उस टेस्ट से इसका, एक्चुअली दम बिरयानी तो नहीं है बट इसका टेस्ट दम बिरयानी टाइप में ही लगता है। तो रायता के साथ ट्राई करते थे और रायता है आपको काफ़ी अच्छा है बिरयानी का। हमारा बिरयानी खा के ख़त्म हो चुका है, पराठा मुझसे नहीं हुआ खाना बिकॉज ये बहुत ऑयली है तो पराठा मैं नहीं खा पाऊँगा। तो बिरयानी का जो टेस्ट है मुझे सच में यार बहुत अच्छा लगा है, और इसका सैलेड का जो मतलब सैलेड देने का जो तरीका है वो भी काफ़ी अच्छा लगा है, इसका स्टाइल अच्छा है। तो हैंड वॉश करता हूँ और फिर उसके बारे में थोड़ा बात। तो अभी हम हैंड वॉश करके यहाँ से निकलते हैं वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं बिकॉज कैश मैं कैश है तो ए टी एम है तो ए टी एम नहीं करना तो डिफिकल्ट हो जाएगा। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी कि मैंने बीफ का मंगा लिया था, बीफ का मतलब बढ़ेगा तो, बट मैंने उसको खाया नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा है होता है तो आप प्लीज़ एक बार यहाँ पे चेक कर लेना, ओनली बीफ यहाँ पे उन लोग लिखे हैं, उन लोग की भी कोई गलती नहीं थी और मेरी भी कोई गलती नहीं थी। मैंने ऑर्डर करके फिर ऑर्डर रिटर्न कर दिया, एक्चुअली मुझे पेमेंट देना पड़ा बट क्या कर सकते भी ऑर्डर तो मार दिया था। तो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ओनली बीफ सीख बोटी कीमा भेजा पाया, तो ये आपको बीफ में मिलेगा। बीफ मतलब बड़े का मटन होता है, चूँकि चिकन मटन से अब बड़े का मतलब समझ सकते हो। तो मैंने रिटर्न कर दिया एक्चुअली, ये नट में मुझे नहीं पता था तब गलती हो। कितने दिन से बना रहे हो ये तो बताओ? ये चार साल से। कुछ एक्सपीरियंस बताओ कि पब्लिक का क्या एक्सपीरियंस है, जो लोग खाते हैं शाम को आप फिर देखो। अच्छा, पूरे भरी रहती है शाम को, पूरा भरा रहता है। अंकल बोल रहे शाम को भरा रहता है, एक्चुअली हम लोग दोपहर के टाइम पे आए चलेगा, क्योंकि जितना अंकल लोग फ्री रहेंगे उतना हम लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकते हैं। तो यहाँ का देख रहे हो अभी भी मतलब भीड़ है, अंदर भी आपको दिखा और बाहर भी देख सकते हो। मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ, तो ये पूरा मेन्यू दिखा दिया, इसको नोट किए रहना भाई, मेरे से हो गया गलती आपसे नहीं होना चाहिए। तो चलते अभी बाहर का पान भी ट्राई करते हैं। एक्चुअली सिख पराठा के लिए फेमस है तो मुझे लगा कि इनका ये रेगुलर है तो एक बार ट्राई कर लेते, बट एक्चुअली वो बीफ से बनता है। तो प्लीज़ अगर आप नहीं खाते हैं तो प्लीज़ ट्राई मत कीजिएगा, ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। चलिए फिर अभी हम लोग नवाब पान शॉप को भी ट्राई करते हैं कि उनके पास क्या क्या अवेलेबल है। देखो अभी से सब रेडी किया जा रहा है इतना मटेरियल ताकि शाम के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और ये बगल में नवाब पान शॉप है, एकदम हाईवे के बगल में ही। एक्चुअली ये दोनों कंबाइन है, ये दोनों एक ही ओनर का है। तो अभी हम लोग इनके पास जाते हैं और देखते हैं कि इनके पास क्या स्पेशल है। और
ये क्या क्या चीज़ें रखते हैं। गाइस हम लोग नवाब पान सेंटर के पास भी आ चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं कि बस क्या स्पेशल है। तो आपके पास पान में क्या स्पेशल है? मीठा पान। मीठा पान जी। तो आपने मीठा पान बनाइए ना एक आगे निकलता है सिगरेट पीने। अच्छा, तो ये मेन रीज़न यही है कि कोई भी वहाँ से खाना खा के निकलता है तो एक बार यहाँ पे चाय ये पान भी खाते हैं रेगुलर। इनसे कुछ आप रेगुलर पान लेते हैं? आपने तो पान का टेस्ट क्या है बताएंगे? पान का अच्छा ओरिजिनल सामान रहता है। ओरिजिनल अभी मैं भी तो ट्राई करने वाला हूँ, देख लेते हैं ओरिजिनल है कि क्या है, पता चल जाएगा। मतलब डुप्लीकेट नहीं डालते, बाकी जो इधर मसाई नाला सुपारा में डुप्लीकेट डालते हैं ना, उसकी तरह नहीं ओरिजिनल सामान डालते। चलो ठीक है भाई, बोल रहे तो एक बार अभी देख लेते कैसा बना रहे। ठीक है, आप बनाना स्टार्ट करिए। आप मीठा पान कैसे बना रहे, क्या क्या डाल रहे? ये भाई ने पत्ता ले लिया है। एक्चुअली दुकान का जो लुक है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इस दुकान में और भी चीज़ें हैं, हम बात करेंगे उसके भी बारे में कि और भी चीज़ें, परफ्यूम वफ्यूम भी दिख रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले मीठा पान के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? दाल। दाल क्या है? दाल। दाल ठीक है, डाली। आप जो जो डालेंगे उसके बारे में बता देना। दादा आ रहे तो थोड़ा। ये क्या है? ये कौन सा मसाला है? मीठा पान का। ठीक है, मीठा पान का मसाला डाल दिए। ये क्या है? कोकरा। अच्छा, थोड़ा सा ये भी। सल्ली है। सल्ली ब्लैक सल्ली है। ब्लैक सल्ली। अच्छा, दो वैरायटी के सल्ली आप रखते हैं। काफ़ी अच्छा। सॉफ टॉप है। अच्छा अच्छा, ये इसके चार्जेस क्या हैं बता सकते हैं एक पान के? 30 रुपीज़। तो डाल रहे हैं। हाँ, ये वाली खजूर। अच्छा खजूर, तो आप देख सकते हैं इसमें सिटी वाले ही चीज़ें डाल रहे हैं, जो कि उसका प्राइस कोई भी ज़्यादा नहीं है, इतना नॉर्मली आपको एक पान उतने में ही मिलेगा। ये क्या है? गुलकन है। अच्छा, स्वीट है। तो देखो ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो कि आप लोग और पे नहीं खा पाएंगे। चेरी। अच्छा, चेरी भी डाल रहे हैं। तो एक्चुअली इसके कुछ ज़्यादा ही चीज़ें, अगर आप बाहर साइड ये पान खाएंगे तो आपको 50+ में ही मिलेगा, तो 30 रुपीज़ ठीक है, कोई ज़्यादा रेट। और फिर हुक्का का फ्लेवर है। अच्छा, हुक्का फ्लेवर भी आप सब फ्लेवर रखते हैं? हाँ, तो नहीं, अल फखर का ही देखा। अच्छा, अल फखर का तो बेस्ट होता है ना। हाँ, अल फखर का ऑल फ्लेवर भी मिल जाएगा। जो साइज है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो मुँह में जाएगा कि नहीं देखते हैं। तो आप इसको कोई भी खा सकते हैं, अगर आप खाना खा के एक बार ट्राई करो तो उसमें यार बहुत टेस्टी है। और इसको आप एक मीठा पान है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट्स डाल के देते हैं, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। और आपको वीडियो कैसा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट। इसको खा के फटाफट ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता है। बाकी निकालिए ना, इनके पास फैंसी लाइटर भी अवेलेबल है, तो हम लोग देखते हैं कि लाइटर मतलब कैसे वर्क करता है। एक्चुअली इसका जो लुकिंग है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लाइटर की प्राइस क्या है? 30 रुपीज़ बोलिए। 30 रुपीज़ में एक फैंसी लाइटर भी मिल रहा है आपको। और फ्लेवर कॉइल हुक्के का, हुक्का पॉट तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्लेवर और कॉइल यहाँ पे सब मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा कोई। और इसका एक फ्लेवर का प्राइस क्या रखे है? डिस्क्रिप्शन में लोकेशन और मोबाइल नंबर भी डाल दे रहा हूँ, तो अगर आप लोग को नहीं मिले तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप इन भाई को, और लोकेशन तो मैं ऑलरेडी डाल दूँगा तो आपको ईजिली मिल जाएगा। और मैं लैंडमार्क भी दे देता हूँ, ये सामने आप हाईवे देख सकते हैं, हाईवे के बगल में। अंकल आप ऑनलाइन पेमेंट भी लेते हैं ना? कैश ऑनलाइन सब चलता है ना? ठीक है, इनका ऑनलाइन भी चलता है, ये सामने बारकोड है, तो अगर कैश नहीं आता तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। और भी इनके पास बहुत कुछ है, अगर आपको और भी कुछ ट्राई करना है तो मैंने तो बस मीठा पान ट्राई किया। और भी वैराइटीज़ के पान मिलते हैं ना आपके पास? सादे पान, कलकत्ता, तो बनारसी कलकत्ता, तो इनके पास सब वैराइटीज़ के भी पान मिलते हैं। और जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे लोग जो हैं आते जाते रह रहे, कोई भी न्यू नवाब पान शॉप है, तो इनका जो टेस्ट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है मुझे, तो आप भी प्लीज़ ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको टेस्ट कैसा लगा है। और मेरे नए वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट लाइक कर देना। और भी मैं आपके लिए वीडियोज़ जल्दी लेके आऊँगा डेली। 100 रुपीज़ अल्फ़खर का, सच में यार अल्फ़खर का 100 रुपीज़ में मिल रहा है। और ये कॉइल कितने का है? कॉइल अपना 60 रुपये साठ रुपये का।
ठीक है, ऑयल का प्राइस तो ठीक है। अल्फ़कर का आपको 100 रुपीज़ में मिल रहा है, तो अगर आप लोग यहाँ से गुजर रहे तो एक बार ज़रूर यहाँ पे भी ट्राई कर लेना, इनका भी काफ़ी अच्छा शॉप है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।